नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। इन दिस वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ट्रैवल गाइड, जिससे आप अपना मथुरा वृंदावन ट्रिप इजीली प्लान कर सकेंगे। इसमें मथुरा और वृंदावन के मंदिर, होटल्स, फूड सब कुछ इंक्लूड करेंगे एंड ऑल्सो एक एस्टिमेट बजट भी बताएंगे टू प्लान योर नेक्स्ट ट्रिप। ब्रजभूमि की पावन नगरी मथुरा वृंदावन में कई सारे मंदिर हैं। उसमें से आज हम आपको कुछ ऐसे मंदिर बताएंगे जहां एक बार दर्शन करने तो जरूर जाना चाहिए। कृष्ण भगवान की जन्मभूमि तो मथुरा है, लेकिन उनका बचपन गोकुल में बीता। मथुरा से 10 किलोमीटर दूर गोकुल में आज भी श्री कृष्ण भगवान का घर है, जिसे नंद भवन के नाम से जाना जाता है। नंद भवन को 84 कंबा मंदिर भी कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में आज भी वहां पर जेल रखी हुई है। मंदिर में सुंदर सी राधा कृष्ण की मूर्ति के दर्शन भी कर सकते हैं और यहां पर कृष्ण भगवान से जुड़ी कहानियां भी जान सकते हैं। मंदिर के अंदर कुछ भी लेके जाना अलाउड नहीं है, नॉट इवन फोन। मथुरा का एक और काफी प्राचीन मंदिर है श्री द्वारकाधीश मंदिर। इस मंदिर में कृष्ण भगवान के द्वारकानाथ रूप के दर्शन कर सकते हैं। जब भी आप मथुरा वृंदावन जाए, एक बात का ध्यान जरूर रखें। ब्रजभूमि के सारे मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक बंद रहते हैं। समर और विंटर में ये टाइम आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। मथुरा में यमुना नदी के किनारे बहुत सारे घाट बने हुए हैं। इसमें से विश्राम घाट काफी पॉपुलर है। यहाँ पर दो बार यमुना नदी की आरती होती है और काफी लोग यहाँ पूजा भी करवाते हैं। आप चाहे तो यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। ये कोई गवर्नमेंट ऑथोराइज बोट्स नहीं है, यहाँ के लोकल जी अपनी बोट से मथुरा के घाट और कंस का किला दिखाते हैं। बोटिंग के कोई फिक्स चार्जेस नहीं है, लेकिन आप 100 रुपीज से ज्यादा पे ना करें। वृंदावन मथुरा से कुछ 10 किलोमीटर दूर है और आप यहां ऑटो से आराम से पहुंच सकते हैं। मथुरा से वृंदावन जाने के रास्ते में बिरला मंदिर आता है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां के एक पिलर पर पूरी श्रीमद् भगवद गीता लिखी हुई है। वृंदावन में सबसे पहले दर्शन करने जाएं बांके बिहारी मंदिर। यहां पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, तो हो सके उतना जल्दी यहां चले जाएं। वृंदावन में निधि वन है, जहां श्री कृष्ण भगवान ने रासलीला रचाई थी। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आज भी रात को कृष्ण भगवान यहाँ आते हैं और इसीलिए रात को किसी को अंदर जाना अलाउड नहीं है। आसपास के घर के लोग भी रात को अपनी खिड़कियों को बंद कर देते हैं। निधि वन में भी राधा कृष्ण का मंदिर है और ये पूरी जगह आप वॉक करके देख सकते हैं। वृंदावन का इस्कॉन मंदिर काफी पॉपुलर है और यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ साथ बलराम के भी दर्शन कर सकते हैं। इस्कॉन मंदिर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा ने बनवाया, जिन्होंने हरे कृष्ण मूवमेंट की शुरुआत करके कृष्ण कॉन्शियसनेस को पूरे वर्ल्ड में फैलाया। इस्कॉन मंदिर से 300 मीटर दूर प्रेम मंदिर है। प्रेम मंदिर की हमने अलग से एक पूरी वीडियो अपलोड की है चैनल पर, जिसमें हमने इस मंदिर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताई है। यहाँ पर कृष्ण भगवान की लाइफ से जुड़ी बहुत ही खूबसूरत झांकियाँ बनाई हुई है और शाम के टाइम लाइटिंग में तो ये और भी खूबसूरत दिखती है। यहाँ पर इवनिंग में फाउंटेन शो भी होता है और यहाँ पर एक कैंटीन भी है, जहाँ पर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। और ये पूरा लिस्ट है जिसमें हमने मथुरा के आसपास की जगह बताई है, जहाँ पर भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। मथुरा के खाने की बात करें तो यहाँ पर होली गेट है, जहाँ पर शंकर मिठाई वाला और ब्रिजवासी दो काफ़ी पॉपुलर लोकल शॉप्स हैं। शंकर मिठाई वाला में यहाँ की लोकल आइटम्स जैसे कि बेड़ाई पूरी, कचौरी, लस्सी ट्राई कर सकते हैं। ब्रिजवासी में मिठाई की काफ़ी वैरायटी है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के बाहर बदनाम चाट है, जहाँ का बेशरम चीला बहुत ही फेमस है। आप चाहे तो यहाँ की आलू टिक्की चाट और लस्सी भी ट्राई कर सकते हैं। प्रेम मंदिर के बाहर चौपाटी करके एक जॉइंट है, जहाँ पर अलग अलग वैरायटी का खाना मिल जाएगा। शॉपिंग की बात करें तो अगर आप पूजा की सामग्री, भगवान के वस्त्र और मंदिर में काम आने वाली चीज़ें लेना चाहते हैं, तो निधि वन के बाहर ही बड़ा सा मार्केट है, जहाँ बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी।
एंड वी वुड ऑल्सो रिकमेंड आप वृंदावन से ही शॉपिंग करें, क्योंकि यहाँ दुकानें तो ज्यादा है ही, लेकिन हर एक चीज की वैरायटी भी मिल जाएगी। मथुरा वृंदावन की 2 डेज आइटिनरी हमने चैनल पर अपलोड की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मथुरा और वृंदावन दोनों जगह रहने के लिए होटल्स, धर्मशाला, एयरबीएनबी, होमस्टेज के ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ की कुछ अच्छी होटल्स का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मथुरा और वृंदावन दोनों जगह होटल लेने की जगह आप सिर्फ एक जगह रहकर आराम से दूसरी जगह जा सकते हैं। दर्शन करने के लिए एक दिन मथुरा में और एक दिन वृंदावन में काफी है। मथुरा और वृंदावन में कोई एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा का एयरपोर्ट ही है, तो बेस्ट है कि आप या तो ट्रेन से मथुरा रेलवे स्टेशन आ जाए या फिर बाय रोड यहाँ आए। मथुरा और वृंदावन में जो भी घूमने की जगह है वो सब ओल्ड सिटी में ही है, जिसके लिए आपको या तो वॉक या फिर रिक्शा या हाथ पहिए वाली साइकिल से ही जाना पड़ेगा। ये आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देते हैं 20-30 रुपये में। आप चाहे तो कार हायर कर सकते हैं, लेकिन मेन रोड से अंदर मंदिर तक जाने के लिए तो ऑटो ही लेनी पड़ेगी। मथुरा में धर्मशाला 500 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर आप होमस्टे, एयरबीएनबी या होटल बुक करते हैं तो ये 1000 से स्टार्ट होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर मेजर कॉस्ट नहीं होगा। फूड का कॉस्ट भी 200 से 300 होगा पर पर्सन। इस वीडियो में वी ट्राई टू कवर एवरी इन्फॉर्मेशन जो आपको एज ए टूरिस्ट काम आएगी, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज बाकी और सिटीज के लिए जिन्हें हमने 2023 में विजिट किया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।